ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर वाज कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स ई1 बाय ई2, एंड सेकंड वन वाज डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दैट इज आर इज इक्वल टू एस इन ब्रैकेट L1 बाय L2 माइनस 1, है ना, ये किया था कल हम लोगों ने। तो एस इज द पैरेलल रेजिस्टेंस टू द बैटरी हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज टू बी डिटरमाइंड। L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ है, L1 कब है जब EMF बैलेंस करते हैं, जब पैरेलल रेजिस्टेंस इज नॉट इनटू द सर्किट, फिर K2 को प्रेस करके पैरेलल रेजिस्टेंस S को हम सर्किट में लाते हैं, दैट टाइम बैलेंसिंग लेंथ इज L2 बिकॉज सम पोटेंशियल गेट्स ड्रॉप्ड इनसाइड द बैटरी, इन दैट केस वी आर बैलेंसिंग द टर्मिनल पोटेंशियल विच इज E-IR, उसको बैलेंस करते V, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L2, और E जो था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L1 था, तो यहाँ पर E बाई वी आता है, उसकी वैल्यू पुट कर दी थी हमने L1 बाई L2, एंड ये डिराइव किया था रिलेशन आर का, देखो तो इसमें वैल्यू पुट कर दी E बाई वी की, यहाँ से ये वाली, तो दैट वाज डन यस्टरडे, हमें एक कस भी कर लिया था इसका हमने, ये वाला क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ दिस चैप्टर, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। नाउ प्रीवियस टॉपिक का जो एक प्रॉब्लम है ये होमवर्क का, दिस वन वाज देयर है ना, इसमें देखो बैटरी के ईएमएफ दिए हुए हैं, एक ड्राइवर सेल का दिया है और ये जो ई है इसका निकालना है ना, ऑलराइट, तो रेशियो बैलेंसिंग लेंथ, बोथ द बैलेंसिंग लेंथ आर गिवन है ना, ई नहीं ये भी दिया हुआ है 1.02, क्या निकालना था फर्स्ट का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, एक मिनट, 1.02 क्या, जस्ट मिनट, ओके जस्ट लेट अस गो थ्रू, फिगर शोज पोटेंशियोमीटर विद द सेल 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 मेंटेनिंग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर वायर ए बी, ये वाला पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स द कॉन्स्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट फॉर वेरी moderate current up to the few milliampere gives the balancing length 67.3 to ensure very low current drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm ye wala is put in series with it, which is shorted close to the balancing point, उसको शॉर्ट करेंगे बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन कर, बैलेंस पॉइंट पे ही शॉर्ट करके देखेंगे हम, नहीं इसको शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे बैलेंस पॉइंट के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस बाय द सेल ऑफ अननोन ई, एक और सेल ये हटा दिया अभी, ई दूसरा सेल लगाया ई, इसको पहले को ई1 ले लेंगे, दूसरे को ई E2 ले लेंगे, E2 is E, उसकी balancing length 82.3, more balancing length means उसका more EMF आने वाला, पहले वाले का 1.02 था, तो E1 by E2 is equal to L1 by L2, E1 is given, E2 is E, that is to be determined, यहाँ से निकाल लो देखो, E1 by E2, तो ये E2 is E, ये निकालना है, cross multiply, देखे कितना आंसर दिया इसका, 1.25, so I told you it will be greater than previous one because its balancing length is more. If you solve it, itne volt ki aayega second battery, theek hai. What is the second point? What is the purpose of this high resistance? Ye wala. Can you see why we use unnecessarily? We are putting it and usko short bhi kar sakte. Balancing length is not changing. अगर हम इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ से
balancing length remains same. So what is the purpose of using this very high resistance? क्या purpose हो सकता है? Can you predict what can be the purpose? इसको purpose is to safeguard this battery when this key is very close to the point A. Then इसका resistance तो bypass हो जाता है, फिर बहुत कम resistance इसको अगर मैंने यहाँ पे touch कर दिया, तो this is very least resistance. तो heavy current goes into this circuit ऐसा. तो उसको protect करने के लिए we have the high resistance in series with the galvanometer to safeguard the battery whose R to be determined or whose EMF to be determined. यहाँ पे देखो EMF determine किया हमने ना, या EMF R to be compared. So let's see what is the answer given. To reduce the current in the galvanometer when jockey is close to the point A, close to क्योंकि वहां पर बाईपास हो जाता है. लेट्स सी हाउ द टेक्स्ट बुक राइट्स द आंसर. टू रिड्यूस द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मूवेबल कॉन्टैक्ट इज फार फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट. हाँ ठीक है, फार फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट इस तरफ तो प्रॉब्लम नहीं है, इस तरफ ये पूरा रेजिस्टेंस रहेगा. बट व्हेन इट इज क्लोज टू द पॉइंट देन, फार फ्रॉम का मतलब क्लोज टू द पॉइंट, दैट इज एक्यूरेट वर्डिंग व्हाट वी हैव रिटन. That's proper wording. Jockey को contact point लिखा है. When contact point क्या, what is the word used? Contact point है. Movable contact. ठीक है, क्या होगा ऐसे, देर विल बी टू सेफ गार्डिंग. एक तो इसका गैल्वेनोमीटर विल बी सेफ गार्डेड. गैल्वेनोमीटर में इट इज मेंट फॉर द स्मॉल करंट, यू नो इफ हैवी करंट गोज इनटू दिस इट कैन बी डैमेज्ड, प्लस दिस बैटरी विल बी डिस्चार्ज इमीडिएटली इफ दिस पॉइंट इज क्लोज टू हियर. तो हैवी करंट गोज इनटू दिस लोअर लूप, देन योर दिस बैटरी विल बी drained out, discharged. So again you have to put it into the charging circuit and so on. So ye point, ye iska fayda hai. C is the balance point affected by the high resistance? No, answer is no. Already we have done previous two questions. No, why no? Since no current flows into this circuit, into the lower that is branch, into the galvanometer branch, since no current flows, in galvanometer branch at balanced condition. ठीक है, D क्या है? Is the balance point affected by the internal resistance of the driver cell? Of course, इसका resistance अगर तुम बढ़ा दोगे करंट कम हो जाएगा तो बैलेंसिंग पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, इधर, बिकॉज आई आर इसका जो ईएमएफ होता है दैट विल बी इक्वल टू आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट. तो करंट कम हो गया है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होने से बैलेंसिंग पॉइंट विल चेंज, बट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज, लोअर जो बैटरी है E1 and E2 का, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ड्राइवर सेल का है. What they are telling driver cell. So answer is yes, because current changed. D ka answer yes hai. Yes, since current in main circuit changes. ठीक है, इसका आंसर शायद नहीं दिया उन्होंने, they mixed up the things.
डी का आंसर नहीं, सीधे ई का आ गया। नहीं, मिसप्रिंट इज देयर। एक्चुअली ये ई का आंसर दिया है, बिकॉज लेट अस सी ई में क्या है। वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर हैड एन ईएमएफ 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। तो नो, आंसर इज नो। इसका ईएमएफ जो है, इसका ईएमएफ ग्रेटर है, इसका कम है। 1 वोल्ट यहाँ तक फिनिश हो जाएगा, बट वी हैव टू बैलेंस द बैटरी ऑफ 1.01। तो यहाँ कहीं पे बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, 1.25 पावर आगे मिलेगा। तो यू हैव टू इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। ड्राइवर सेल का ईएमएफ बढ़ाना पड़ेगा फिर हमें। इट कैन नॉट बी ऑप्टेन, दैट वाज द वन ऑफ द प्रिकॉशंस वी हैव रिटन इन। तो आंसर इज नो। एफ का क्या आंसर होगा? वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ से of the order of few millivolt such as typical EMF of thermocouples. Thermocouples अभी अपने कोर्स में नहीं है, पहले थे। Thermocouples produces very small EMF, है ना, millivolt, microvolt, है ना। तो उसके लिए वर्क करेगा। आंसर इज नो, बिकॉज वी विल बी गेटिंग द बैलेंसिंग लेंथ वेरी क्लोज टू द पॉइंट ए। मेजरमेंट विल बी द डिफिकल्ट। तो क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ बढ़ाओ भी, इसका जो है पोटेंशियोमीटर की लेंथ बढ़ाओ, और इसका देन इट विल बी मोर सेंसिटिव, मोर बैलेंसिंग लेंथ विल बी ऑब्टेन्ड फॉर द मिलीवोल्ट्स। तो इफ नॉट, हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट? इंक्रीज द सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। दैट इज वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी। एक और मेथड है, लेट्स सी आंसर। It will be unsuitable because the balance point will be very close to the end A, and the percentage error in the measurement will be large. To modify circuit is modified by putting the suitable resistor R in the series with the wire AB, so that potential drop across AB is only slightly greater than the EMF to be measured. Then the balancing point will be at larger length of the wire and percentage. Okay, this is one of the method. There are two methods. एक मैंने बताया, इसकी length बढ़ाओ, और you reduce the current. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, current reduce करने से इधर shift हो जाता है। इसका बढ़ाओ, ये यहाँ पे एक और resistance लगा दो, resistance box. You reduce the current so that balancing length goes up. तो आइदर यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, अनसुटेबल क्या लिखा है, नो सर्किट विल नॉट वर्क वेल। तो क्या मेथड है? आइदर इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर और डिक्रीज द करंट इन द मेन सर्किट। बैलेंसिंग वाले सर्किट में तो करंट फ्लो होता ही नहीं। ऑल राइट, तो दीज आर द पॉइंट्स। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें से कोई दो पार्ट या तीन पार्ट पूछ सकते हैं। ऑलरेडी इट हैज बीन आस्क्ड, है ना, कुछ पार्ट इसके पूछे जा चुके हैं। ये पॉइंट आई विल एक्सप्लेन यू दिस अगेन। आगे हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। तो उसमें फिर से डिस्कस करने वाले हैं। सेंसिटिविटी मतलब उसकी बैलेंसिंग लेंथ मोर एंड मोर कैसे मिले, particularly for small EMFs. Okay, moving on to the, okay, no problem. Any difficulty here, just confirm your, clarify your doubts, then we'll move on to the next one.
All right. तो ये एवरीथिंग वाज डन, ये वाला ट्राई कर लेना, इसमें ओम्स लॉ इनफैक्ट पोटेंशियोमीटर का काम नहीं है, ओम्स लॉ से हो जाएगा ये, इफ यू आर सीरीज इन मतलब ओम्स लॉ लगेगा और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो यू कैन डू इट बट डोंट सी द सॉल्यूशन, यू डू विद योर ओन मेथड, यू विल गेट द क्यू. ये क्वेश्चन था, इसी किसका आंसर ये देखो, इसमें पहले जो है मेन सर्किट में करंट निकाल लेंगे, ये वाला इसका मैं इसके पॉइंट्स में बाद में लिखा देता हूं. तो मेन सर्किट का करंट निकाल लो, मेन सर्किट में ईएमएफ ड्राइवर सेल जो है स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस इसका होगा वायर ए बी का, इसका रेजिस्टेंस आर वन होगा, इसका रेजिस्टेंस आर टू ले लो, और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा आर. तो नेट रेजिस्टेंस विल बी आर वन प्लस आर टू प्लस आर, ईएमएफ इसका है ई वन इज टू, और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 10 है, ऊपर जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसका आर दिया है वो निकालना है हमें, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया, प्लस जीरो कर दिया तो करंट आ गया, है ना. Anybody could get the full answer some yesterday? किसका होमवर्क था जिसमें मैं लिखा था मैंने complete it? Who sent me the homework? It was just two steps away from the right answer. So me. Answer complete किया बाद में? So didn't get what to do the next. Okay. So. It was just you have to put the value of i, i निकाल लिया था, उसमें i की value put करके solve कर लेना था. Okay, देखो, इसके बाद resistance per unit length निकाल लो इस wire का. Why? Because जो e2 होगा, उसको ohms law से हम लिख सकते हैं i into r, this much resistance. But r जो है in terms of length है, तो length के terms में convert कर लेंगे. If we get the resistance of this wire per unit length, है ना? All right, तो ये करंट की इक्वेशन हमें कितनी मिल गई, 2 अपॉन 10 प्लस आर. तो यहाँ पर इस वायर का रेजिस्टेंस निकाल लो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, एक ही वायर है वैसे तो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. सिग्मा सिंबल यूज करते बट लेट मी मेक द सिम तुम्हारे लिए काम थोड़ा आसान करते, पी लिख दूं तो वो नीचे वाला रिलेशन लर्न हो जाएगा तुम्हें इजीली. तो ये सिंबल, दिस इज जस्ट सिंबल यूज्ड फॉर योर कन्वीनियंस टू रिमेंबर द अदर फार्मूला इजीली. तो पी लिख दिया मैंने इसका सिंबल, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस उसका आर वन है, लेंथ वन मीटर है, तो वी गेट 10 ओम पर मीटर. ठीक है, तो अभी ये जो बैटरी है नीचे E2, नाउ E2 विल बी और E विल बी जो भी सिंबल है इसका E, इट विल बी IPL, सिग्मा डाल दो, इट मेक्स इट IPL, इजी टू रिमेंबर IPL, है ना. तो इट इज नथिंग बट ओम्स लॉ ओनली. देखो इफ यू सी केयरफुली, E2 विल बी I इंटू R, आर डैश कर दे, अगर मैं यहाँ से इसको सी लिख दूं पॉइंट तो ए सी हो जाएगा, तो आर को क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज पी, और उसकी लेंथ कितनी है एल, एल वन, बैलेंसिंग लेंथ इज एल, स्मॉल एल कर देते चलो, है ना, स्मॉल एल कर दिया हमने, तो आई पी एल बन गया वो, कैपिटल एल फॉर कैपिटल एल हमने इसकी लेंथ ली हुई है फुल वायर की, दिस बिकम्स आई पी एल. ठीक है, तो याद रखना आसान है थोड़ा, पी क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. तो दिस इज अदर फार्मूला, अदरवाइज यू कैन जस्ट मैनेज विद द, इससे भी निकाल सकते हैं फाइव इंटू एल, फाइव निकलना पड़ेगा, फाइव निकालने के लिए भी वही करना पड़ेगा, फाइव क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ
ए बी डिवाइड बाई एल, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आई इंटू आर करना ही पड़ेगा हमें, तो वो स्टेप्स तो आएंगे सारे, तो बेटर ये दूसरा फॉर्मूला लर्न कर लो आई पी एल वाला, फाइव इंटू, इट इज इक्वलेंट टू फाइव इंटू एल ओनली, तो आई की वैल्यू वेर इज ओके, ई एम एफ की वैल्यू ये दी है 10 मिली, यू आर रिटन अप टू हियर, यहाँ तक कर लिया था ना मानसी, यस ओके हाँ, इसके बाद वैल्यू पुट करनी थी ना, दिस वाज नोन, करंट की वैल्यू यहाँ पुट करनी थी, एंड पी रेजिस्टेंस पर यूनिट, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तुमने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से ये रेजिस्टेंस भी निकाल लिया था ना एसी का, रेजिस्टेंस वाज कैलकुलेटेड, यू कुड हैव पुट डायरेक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस, इतने कैलकुलेट कर लिया था, डायरेक्टली पुट कर सकते थे, ठीक है, 4 ओम निकाला था, देखो 4 आ रहा है यहाँ से, ओके, तो ये आई की वैल्यू पुट कर दी, है ना, अगर तुम इफ यू आर जस्ट यू डोंट वांट टू राइट तो यू कैन जस्ट मैनेज, देखो इतना 1 मीटर का कितना है 1 ओम, एक मिनट वेयर समथिंग इज रॉन्ग, 1 मीटर का कितना दिया रेजिस्टेंस, 10 दिया हुआ है ना, तो 40 सेंटीमीटर का कितना होगा 0.4, दैट सिंपल लॉजिक, 0.4 इंटू सॉरी 4 होगा, 1 मीटर का 10 है तो 40 सेंटीमीटर इज 0.4 मीटर, दैट विल हैव 4 ओम, तो ये 4 ओम आएगा, तो उस लॉजिक से कर सकते थे विदाउट यूजिंग दीज ऑल फार्मूला, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, कैंसिल हो गया इधर, इसको 10 टू द पावर नहीं, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 2 बच गया, और ये 8 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 790 ओम, ठीक है, तो दैट्स व्हाट पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू, एंड यू कुड हैव मैनेज्ड अगर थोड़ा सा और सॉल्व करते, ठीक है, तो दिस इज द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़े से इसमें कैलकुलेशंस मैनेज करने पड़ते हैं, तो होप कि ये वाला फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये लर्न कर लो, इसका ये में अगर हमें निकालना है या फिर ये दिया है हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन, तो पीछे मैंने वही लिखे पॉइंट्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, अदर पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट, तो इस टाइप की सिचुएशन में भी सॉल्व, तो अगर इफ यू रिमेंबर दिस यू कैन मैनेज द एनी क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियोमीटर विद जनरली यू फाइंड डिफिकल्ट, अभी मेरे ख्याल से ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस, डू यू वांट दैट आई शुड एक्सप्लेन अगेन, पीछे मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सबसे पहले क्या करना है, करंट निकाल लेना है सर्किट में, दैट मेन लूप में देयर मे बी ओनली वन रेजिस्टेंस, है ना, देयर मे बी रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स और इंटरनल रेजिस्टेंस, 3 हो सकते हैं इसमें, R1 R2 + R, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो, करंट आ जाएगा, फिर हमें करंट पर यूनिट लेंथ निकाल देंगे इस वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर का R1/L से, है ना, फिर ये जो अदर बैटरी है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, E = IPL, करंट की इक्वेशन पुट कर देंगे, P रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल दिया हमने, और दिस इज नथिंग बट ओम्स ला अगेन, ये कितना है, दिस इज आर ओनली, ये आई इंटू आर ही है, वो आर को यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया, बिकॉज बैलेंसिंग लेंथ इज गिवन, तो उससे 1 सेंटीमीटर का हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया या 1 मीटर का निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाई बैलेंसिंग लेंथ विल गिव यू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पार्ट ओनली, तो इतना ये ईएमएफ इतने इसके बराबर होगा, जितना यहाँ पर आई इंटू आर होगा पैरेलल में है, दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी, ठीक है, तो दैट्स व्हाट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे थे इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ, R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, है ना, L1 इज बैलेंसिंग लेंथ, सेम पॉइंट आई एम रिपीटिंग अगेन, R1 इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक, R2 इज रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स,
आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर सेल ई. इसका सबसे पहले हमने करंट निकाला, देखो करंट इन द लूप, तो ये कितना हो जाएगा ई अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद फिर आई पी वो अपना अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकालना है, अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए जरूरी नहीं कि फुल लेंथ यूज करें. इफ यू वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतनी लेंथ. अगर हमने ये इसके लिए किया तो वी ए भी लिखेंगे उतनी लेंथ. अगर इतना ही पार्ट है ई वन के लिए लिखा, ई वन इज नोन और एल वन इज नोन, तो ई वन बाई एल वन जो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ऊपर कल जो किया था, इतना ही पार्ट था इसका, ये हमें पता था और ये बैलेंसिंग लेंथ पता थी, पता था, तो उसको डिवाइड करके पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिया था. फिर हमने पोटेंशियोमीटर बैटरी का ईएमएफ निकाला था. तो दिस यू मे हैव मे बी आस्क टू सॉल्व दिस, है ना. एक ये पार्ट हो गया. उसके बाद ये जो निकालना था आईपीएल वाला अभी, ओके रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल लो अभी ईएमएफ. अगर हमें लोअर बैटरी का ईएमएफ निकालना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियो मीटर वायर पी विल बी आर वन बाई एल. अभी किया हमने, ठीक है. तो दूसरा एक तो ई एम एफ का फार्मूला ये रहता ही है, याद है. तो हमने इससे ही प्रूव किया फाइव इंटू एल से. ओके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतने स्टेप नहीं लिखो. तो ई वन विल बी नाउ जो नीचे वाली बैटरी है, ई वन इज इक्वल टू आई पी एल. ठीक है, और अगर तुमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला हुआ है ये वाला पहले पार्ट में, तो आईपीएल नहीं करना है फिर तुम्हें सीधे, और ई वन विल बी फाइव इंटू एल वन, तो दोनों से आ जाएगा. ठीक है, शैल आई शो यू फॉर. तो दीज आर द स्टेप्स विच आर टू बी रिमेम्बर्ड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, तो If this is not us, so you can leave this. You can leave this. यहाँ से सीधे इस step पे आ जाएंगे जैसे हमने next question किया था. If five is us, then you don't have to remember. Then you don't have to solve this. इसको फिर. लेकिन current नहीं निकल. Even निकलना है तब ये work करे. Current निकलना है तो current का current वाला ही formula लाना पड़ेगा हमें. तभी नहीं current में ही R था उसके, है ना. Resistance था. इसलिए current वाला formula से ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सॉल्व हो पाएगा. इससे नहीं हो पाएगा, इसको चेंज करने पड़ेंगे. इफ यू पुट द वैल्यू, आई टोल्ड यू इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ पाई यू कैन ब्रिंग दिस फार्मूला. क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इतने सारे स्टेप मैंने बताए थे. अभी वी आर डन इन द रिवर्स ऑर्डर. क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिया, उसके पॉइंट्स इफ यू वांट यू कैन राइट इट, इफ यू कैन रिमेंबर फाइन. All right, now we are going to see the heating effects of current. Last topic है वो. Okay. All right, so far. You can ask your doubts if you have. Current देखो balance condition में current upper वाले loop में रहेगा, इसमें तो current जाएगा नहीं, जिसका current आए की बात थी. देखो sensitivity या potentiometer wire, sensitivity का मतलब क्या होता है, when
when we get the more balancing length, we say that more sensitive the instrument is, है ना? तो ये instrument मतलब more reading जिसमें मिले, इसमें reading मतलब balancing length है, तो more sensitive. But in general, how do we define any instrument? Well, sensitivity of any instrument is ratio of the response क्या इसकी balancing length to the stimulus क्या है? EMF of the cell. EMF of cell जो है उससे balancing length मिलती है, that is response to the stimulus. Here response is the balancing length and stimulus is the EMF of cell. More balancing length means more sensitivity. So that is the meaning, है ना? Sensitivity means for given value, for given stimulus, more response, more balancing length, more sensitivity. So how to increase the sensitivity? अगर EMF कम, हमें ज्यादा balancing length चाहिए, जैसे if we previous question था ना thermocouple वाला, उसमें millivolt में रहता है, तो उसकी sensitivity बढ़ानी पड़ेगी. I told you two methods, current decrease करो या फिर length of the potentiometer wire बढ़ाओ. It has 6 meter of length, 7 meter, 10 meter तक भी होता है. 1 meter के part join करते हैं उसको. तो what is the effect on sensitivity of potentiometer? If potential gradient is decreased, potential gradient अगर decrease करते हैं, तो sensitivity बढ़ती है कि घटती है? तो let's see with the formula. Answer is increases. देखो यहाँ पे answer दिख रहा है. Increases क्योंकि EMF is given, EMF of cell is given by E1 जो है, it is given by, देखो यहाँ पे मैं I am writing again, देखो EMF is given by, EMF of other cell is given by potential gradient into balancing length. अगर potential gradient down हुआ और ये तो constant है, तो balancing length will go up. ये बैटरी सपोज 2 वोल्ट की है, वो कैसे समझो, दिस इज आवर 2 वोल्ट और पोटेंशियल ग्रेडियंट, सपोज पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 है, तो बैलेंसिंग लेंथ भी 2 शुड बी 2, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ सपोज पोटेंशियल ग्रेडियंट तुमने 1/2 कर दिया, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी? 4, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, तो डिक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट सो दैट बैलेंसिंग लेंथ विल बी मोर एंड मोर. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे डिक्रीज करते, चलो अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करने का तरीका सीखते हम लोग. बैलेंसिंग लेंथ बढ़ाना है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डाउन करो. लेट्स सी, ठीक है यहाँ तक ओके है? यहाँ पे मैं एरो लगा दूं, ये तो कांस्टेंट है. इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट कम्स डाउन बैलेंसिंग लेंथ विल गो अप सिंस ईवन इज कांस्टेंट. ठीक है, प्रोडक्ट हैज टू बी equal to even, that's all. तो देखो अभी कैसे बढ़ाते हैं इसकी potential gradient. Okay, यहाँ तक हो गया, no problem. Can you see? Okay. तो potential gradient अभी हमें घटाना है sensitivity बढ़ाने के लिए. All right. तो देखते हैं हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीज. तो आंसर तो वही रहेगा, डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट. मतलब ये मैंडेटरी नहीं है लिखना, तुम सीधे पॉइंट्स पे आ जाओ. डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट विच कैन बी डिक्रीज एज फॉलोज. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखा हमने, फाई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई लेंथ. पोटेंशियल डिफरेंस में आई इंटू आर वन आ जाएगा, आर वन इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ये आ गया. तो यहां से देखो, या तो करंट कम कर लो, करंट कम किया ओके. तो यहाँ पे देखो बाई डिक्रीज इन द करंट इन द सर्किट, यहाँ पर करंट कम कर दिया तो ये ड्रॉप हो गई पोटेंशियल ग्रेडियंट, आई मीन है ना फाई कम हो गया. एक तो ये मेथड है, देखो फाई कम हो गया तो यहाँ से यू कैन सी इफ इट इज गॉन डाउन बैलेंसिंग लेंथ विल गो अप. तो फाई को कम करने के लिए 3 तरीके हैं, देखो इवन रेजिस्टेंस आल्सो मैटर.
तो मेन पॉइंट करंट का है और रेजिस्टेंस को तो वो फिक्स है वायर, अभी उसको वायर को बार बार चेंज नहीं करेंगे, बट करंट को हम एक्सटर्नली मैनेज कर सकते हैं। आई रिड्यूस द करंट बाय डिक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट, जो आंसर दिया था ना दैट लास्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग इन दैट क्वेश्चन, उन्होंने करंट डिक्रीजिंग का दिया था, मैंने ये भी लिखा। देखो दूसरा क्या है, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ एल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ये अगर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल कम डाउन। देयर आर टू मेथड्स है ना, रिड्यूस करंट और इंक्रीज द लेंथ, जनरली इसीलिए लेंथ ही रहता है वो, मेनी वायर्स वी आर यूजिंग टू हैव द मोर बैलेंसिंग लेंथ, मोर सेंसिटिविटी, गॉट इट। तो ये तुम्हें दो तरीके याद रखने पड़ेंगे, दो मेथड्स, एक तो बाय डिक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट एंड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, है ना। इवन इफ यू डोंट एक्सप्लेन दिस, ये दो पॉइंट याद कर लो इसका, हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, दीज टू पॉइंट यू रिमेम्बर। All right, current कम रखो circuit में, you will get the more balancing length more, और या फिर length of the potentiometer wire बढ़ा लो काफी, तो even small EMF के लिए भी good response you will get, good balancing length, large balancing length you will get। ये technically हम लोगों ने explain किया है, otherwise you can just remember these two points। उससे भी बोल सकते ना, देखो अभी हमने जो IPL वाला फार्मूला लिखा था, E is equal to E1 is equal to IPL1, है ना, तो करंट को कम करो, तो ये तो P तो कांस्टेंट है पर यूनिट लेंथ वाला, वो तो कांस्टेंट हो गया, L1 विल गो अप, ठीक है, और L1 बढ़ा दो, नहीं बैलेंसिंग लेंथ इसमें आएगी, P वाले में आएगी, एक मिनट देखो, यहाँ पे देखो E1 is equal to IPL balancing length L1, IP जो था P was resistance R1 by L, इसमें L1, तो देखो तो ये सब देखो इसमें दिख ही रहे पॉइंट हमें, ये वापस वही आ गया ना, हमें इसकी मोर बैलेंसिंग लेंथ चाहिए E1 की, या तो करंट कम करो तो ये बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी बिकॉज ये कांस्टेंट है, या फिर हमने करंट अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है इसकी लेंथ बढ़ाओ, ये टर्म छोटा हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी, सो दैट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू E1, ठीक है। बोथ द यहाँ पर चाहे तो मैं लिख दूं नीचे फार्मूला, तुम्हें इसी फार्मूले से दोनों पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं, कौन सा वाला था ये, E1 is equal to IPL1, IP is equal to resistance per unit length R1 by L into L1, यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं हमें, या तो करंट तुम कम करो तब L1 बढ़ जाएगा, सो दैट प्रोडक्ट हैज टू बी E1, बैटरी का EMF तो फिक्स होता है, या फिर तुमने लेंथ जो है पोटेंशियोमीटर वायर की कैपिटल L उसको बढ़ाओ, ये टर्म छोटा हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये टर्म छोटे होने की वजह से ये बढ़ जाएगा, सो दैट इवन इज कांस्टेंट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी व्हाट इज दैट, ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, यू हैव द टू पोटेंशियोमीटर्स एक्स एंड वाई है, जिसका ईएमएफ इधर वाई एक्सिस पे दिया है, ईएमएफ इज व्हाट, जिसका हमें सेल का निकालना है, और बैलेंस एल इज द बैलेंसिंग लेंथ, है ना, रिफर द डायग्राम इन विच ईएमएफ ऑफ सेल वर्सेस द बैलेंसिंग लेंथ एल इज शोन बाय द टू पोटेंशियोमीटर एक्स एंड वाई, विच वन विल यू सेलेक्ट, कौन से सेलेक्ट करेंगे, एक्स सेलेक्ट करेंगे कि वाई सेलेक्ट करेंगे, क्विक आंसर, विच वन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट, एक्स और वाई, सपोज बैटरी का ईएमएफ E1, एक्स वाई एक्स, बैटरी का ईएमएफ E1 है,
मोर सेंसिटिविटी और मोर बैलेंसिंग लेंथ। देखो एक्स की बैलेंसिंग लेंथ हमें एल एक्स मिल रही है विच इज मोर एस वाई इज गिविंग लेस बैलेंसिंग लेंथ। तो जो ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ देता है दैट इज मोर सेंसिटिव दैट इज बेटर बेटर इंस्ट्रूमेंट है ना। तो एक्स इज द आंसर। एक्स सिंस इट इज मोर सेंसिटिव और गिव्स मोर बैलेंसिंग लेंथ है ना। इन केस यू हैव द बैटरी ऑफ वेरी स्मॉल ईएमएफ तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी इधर आ जाएगी उसके लेंथ मेजरमेंट करने के लिए। बैलेंसिंग पॉइंट विल बी वेरी क्लोज टू ए है ना, तो वहां से मेजरमेंट लेना मुश्किल होगा। मोर सेंसिटिव और मोर इट गिव्स मोर बैलेंसिंग लेंथ है ना। तो ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ वाला इंस्ट्रूमेंट इज बेटर हियर इन दिस केस, बेटर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है आपका। तो अगर यहाँ पर ई कर देंगे तो ओके दिस क्वेश्चन कैन बी चेंज इफ दे राइट ई हियर एल हियर। तो यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे फॉर गिवन ई वी गेट द बैलेंसिंग लेंथ। एक्स का कम मिलेगा वाई का ज्यादा मिलेगा। इफ दे इंटरचेंज दिस टू पॉइंट्स तब आंसर विल बी वाई बिकॉज वाई का बैलेंस एल वाई इज मोर नाउ। तो बी वेरी केयरफुल ऑलवेज। फर्स्ट टाइम तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, सेकेंड टाइम दे कैन इंटरचेंज बोथ। तो हमेशा करेक्ट मेथड यू हैव टू फॉलो कि बैलेंसिंग लेंथ किस में ज्यादा मिल रही फॉर गिवन ईएमएफ। तो ईएमएफ को फिक्स कर दो, वहां से लाइन ड्रा करो पैरेलल टू द लेंथ एक्सिस, जिधर भी है वो लेंथ, लेंथ एक्सिस इधर है तो इधर ड्रा करो, विल गेट द बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेम ईएमएफ डिफरेंट बैलेंसिंग लेंथ। तो ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ दे रहा है दैट इज द प्रेफरेबल। ऑलराइट चलो फिर नेक्स्ट वन इज, ठीक है नोट कर लो इसको। नेक्स्ट वन इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ये टेंथ में हम लोगों ने किया था ये टॉपिक। तो इसमें इतने ये फार्मूले हैं। तो इलेक्ट्रिक डे टू डे लाइफ में एग्जांपल क्या है इसका, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर एक्सेट्रा, गीजर वाटर हीटर रूम हीटर इलेक्ट्रिक आयरन दीज आर द एग्जांपल्स। सॉरी तो जूस लॉ ऑफ हीटिंग, जूस ने एक्सपेरिमेंट किया था हीटिंग कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो उसने एक बैटरी ली है ना वी वोल्ट की और रेजिस्टेंस आर लगाया, उसमें करंट फ्लोइंग इज आए। तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा और न्यूमरेटर में ही है तीनों। तो हीट प्रोड्यूस इन गिवन टाइम टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, करंट का स्क्वायर है और रेजिस्टेंस की सिंगल पावर है, टाइम की सिंगल पावर है। ठीक है तो ये फार्मूला है ना एक्सपेरिमेंटली उसने दिखाया। अभी ओम्स लॉ से चेंज कर सकते हैं हम, अगर हमने आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू वी बाई आर पुट कर दी है ना, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो वी विल गेट दिस रिलेशन। और अगर आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू वी बाई आई पुट कर दिया तो एक आई से कैंसिल हो जाएगा तो वी आई मिल जाएगा ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ यूज करके हमने बाकी दोनों फार्मूले बना लिए। ठीक है तो ये तीन फॉर्मूले आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी वी आई टी। तो और ये हीट एनर्जी किस पे, हाउ डू वी गेट दिस हीट एनर्जी बोलो, ये हीट एनर्जी का कॉज क्या है, इट इज एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, हीट एनर्जी क्यों मिलती है हमें, हीटिंग इफेक्ट क्यों मिलता है बोलो, किस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के कॉस्ट पर मिल रही है हमें। Anybody? बोलो जल्दी से, why do we get the heat? Due to collision or what? Collision से मिल रही क्या होता है? Collisions तो पहले भी होते हैं, if you don't correct the potential difference, electrons will be colliding in that condition also, because free electrons तो random motion करते ही रहते हैं ना, even they go, मतलब they are very fast moving, even if you don't connect the
पोटेंशियल डिफरेंस, कोलिजन पहले भी हो रहा है बाद में भी हो रहा है ना, तो कोलिजन इज नॉट द कॉज ऑफ हीट. क्या हो सकता है कॉज ऑफ हीट बोलो, व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? नो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस एक उस रेजिस्टेंस के पास एनर्जी नहीं है ना, एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो रही है ना, तो रेजिस्टेंस इज नॉट द कॉज ऑफ द हीट. Resistance is not the cause of heat. Energy कुछ ना कुछ loss हो रहा होगा ना कहीं पर. अब बोलोगे chemical energy of the battery. Of course chemical energy, but chemical energy किस तरह से convert हो रही है heat में? That is what my question is. देखो, suppose हम लोग if we drop any object from the height, तो उसकी kinetic energy potential energy में convert होती है and vice versa, है ना? लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रोल नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देखा, दे आर मोर ऑर लेस, ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो हीट नहीं मिलेगी हमें, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी में तो कन्वर्ट हो रही नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंट है ना, जो हमने पढ़ा था वो टेम्परेचर पे, ऑफकोर्स टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मे चेंज, बट इट इज मोर ऑर लेस कॉन्स्टेंट, उस टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट है, एक टेम्परेचर सेटल हो गया वहां पे कांस्टेंट है. तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गोज इनटू द हीट, पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेंगे व्हेन दे मूव, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, दैट कन्वर्ट्स इनटू हीट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी of electrons, not due to collision, or not due to resistance. To loss of potential energy converts into heat. To that, you have to remember. May not be given in the book, to my apni NCERT book mein shayad nahi diya, but this is the actual cause of heat. So, इसके इसको अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर बन जाएगा ना. ओके, दिस इज डन. ठीक है, ऐसे दिखाता हूँ इसको, थोड़ा पावर का फार्मूला ऊपर ले आता हूँ. पावर जो है टाइम से डिवाइड कर दो तो पावर बन गया ना. कैन यू सी, इफ यू डिवाइड बाय टाइम, पावर इज द हीट अपॉन टाइम और वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इसकी वैल्यू टी टी कैंसिल हो जाएगा तो पहला रिलेशन वी स्क्वायर बाई आर मिल जाएगा. इससे वी स्क्वायर बाई, ओके पहले ये वाला हमने पहले लिख दिया, ये बाद में लिखा, लास्ट वाला इधर. तो यूनिट क्या होगा इसका, वाट होगा और जूल पर सेकंड. ठीक है, तो दीज आर द फार्मूलाज, बस इसी पे न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें. नाउ यू मे हैव डाउट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सॉरी कि अगर रेजिस्टेंस इज मोर, तो मोर हीट विल बी प्रोड्यूस और लेस रेजिस्टेंस विल प्रोड्यूस मोर हीट. My question is this, okay. More resistance produce more heat. True or false? More resistance produce more heat. True or false? Bolo. Answer is true and false both. Dono possible hai. Unless we get the full information. Puri information nahi hai hamare paas. Yahan pe agar series mein do resistances connected hai. Dekho, ye wala formula. You see now. If two resistances are connected in series, ऐसा तो I same रहेगा, ये R1 है, ये R2 है, तो I same है, तो more resistance, more heat. But generally ऐसा होता नहीं है, घर में domestic supply है ना, उसमें सारे devices are in parallel, all the devices are in parallel in domestic supply. ठीक है, तो ये तुम्हारा V हो गया, AC supply का symbol मैंने बनाया. But we are using the Ohm's law is used for AC also and DC also. Battery ke voltage ke liye bhi hai aur AC ke liye bhi hai. To R2. To ye 220 volt rehta hai ghar mein, hai na? To ye to constant ho gaya. R1 jo kam hai, depending upon less the R, more is the power produced. Ghar mein jo device hoga, jiska resistance kam hoga, that will produce more power. Short circuit ka resistance zero ho jata hai. Maine bataya tha na, short circuit ka resistance almost
क्लोज टू जीरो, क्लोज टू वन ले लेते हैं उसको, जीरो तो नहीं लेंगे, ये वन हो गया। तो डोमेस्टिक सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट × 220 वोल्ट, इट कम्स नियरली 48,500 to 48,000 समथिंग आता, तो 50,000 जूल्स लिख सकते हैं रफली पर सेकेंड। इतनी पावर, 50,000 पावर का बल्ब समझ में लगा दिया तुमने, इतनी इतने इतनी पावर का कोई डिवाइस नहीं होता है ना। मैक्सिमम हम लोग कितना यूज करते हैं, गीजर, जो गीजर है अपने बाथरूम वाटर हीटर जो है 2000 वाट का, यहाँ पे 50,000 वाट प्रोड्यूस हो रही है शॉर्ट सर्किट में। तो जितना कम रजिस्टर्स उतनी ज्यादा पावर, बिकॉज डोमेस्टिक सप्लाई आर मोस्ट ऑफ द सप्लाई आर मतलब पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, सबको सेम वोल्टेज मिलता है। घर में जितने भी डिवाइसेज है, वेदर टीवी और रेडियो और इवन व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक आयरन, ट्यूबलाइट, फैन, गीजर, रूम मीटर, सबको सेम, सब पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। अगर हमें वोल्टेज कम भी चाहिए रहेगा, पैरेलल एडाप्टर से या चार्जर से वोल्टेज ड्रॉप करा लेते हैं हम उसका, बट ऑल द डिवाइसेज आर इन पैरेलल। यू हैव द क्लास नाउ, ठीक है, जस्ट विल वाइंड अप। ये दो एग्जांपल दिखा दो तुम्हें, जैसे जैसे ये दो बल्ब है, दीज टू क्वेश्चन दो बल्ब है रेटेड एज ए, तो ये पहला जो है पावर होता है, दूसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग इस वोल्ट पे की जाती है उसकी, तो रेजिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड एज अकॉर्डिंग टू रेटिंग, इसकी रेटिंग इतनी है, इसकी रेटिंग तो 100 वाट का और ये 60 वाट का, किसका रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, तो किसका मोर होगा, अभी हमने देखा जिसकी पावर ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, वाइस वर्सा। तो वी स्क्वायर बाई आर है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने, तो ये 100 वाट का जो है ना, 100 वाट वाले की पावर, ये 100 वाट जो है उसका रेजिस्टेंस कम आ रहा था, 484 आएगा। वी स्क्वायर बाई पी, तो ये वोल्टेज है वी स्क्वायर, ये 220 वोल्ट है ना, और पावर दी है 100, तो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है 484। जो 60 वाट के बल्ब, अभी ये बल्ब आउटडेटेड है, पहले चलते थे ये, अभी तो LEDs आ गई, बट स्टिल वी यू विल फाइंड दीज क्वेश्चन ऑन दे। तो ये 60 वाट वाले का रेजिस्टेंस मोर आ रहा है। तो मेरा अभी क्वेश्चन ये था, इफ बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट, अभी दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, फाइंड द न्यू पावर प्रोड्यूस बाय द ईच बल्ब। अभी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो न्यू पावर कैसे निकालेंगे, पहले पैरेलल का उसका सॉरी कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी पैरेलल तो रहते ही, ऑल आर पैरेलल इन डोमेस्टिक सप्लाई, अभी सीरीज में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में तो वही आंसर आ जाएगा, फिर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में दोनों को हम पहले दोनों का करंट निकाल लेंगे 220 वोल्ट में कनेक्ट करके, ऐसा देखो ऐसे बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया सर्किट में, कैन यू सी, तो ऐसे कनेक्ट कर दिया उसको हमने सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, इनका रेजिस्टेंस हमने ऊपर निकाला 484 एंड 806.7, तो यहाँ से करंट आ जाएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी सडन, तो वो कैलकुलेट कर लेना तुम कितनी आ रही वैल्यू। फिर हमें पावर चाहिए, अभी सीरीज में कनेक्टेड है दोनों का करंट सेम है, वोल्टेज कम मिलेगा, अभी 220 वोल्ट नहीं मिलेगा, इसको V1 मिलेगा, इसको V2 मिलेगा, या तो V1 V2 निकाल लो, फिर V1 स्क्वायर बाय R1 एंड V2 स्क्वायर बाय R1, तो ऐसे कर लो, या फिर करंट निकाल लो, यहाँ से करंट की वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो जब 100 वाट वाला जो था वो अभी 14.07 वाट प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज उसको पूरा वोल्टेज तो मिल नहीं रहा है, और ये वाला दूसरा जो था 60 वाट वाला, करंट की वैल्यू फिर से ऊपर से जो निकाली वो पुट कर देना, और ये 60 वाट का रेजिस्टेंस हमने निकाला हुआ है कितने 806 है, पुट कर दो, तो 23। अभी देखो कितना कम हो गई, उनकी दोनों ओरिजिनली कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, ये 100 वाट प्रोड्यूस कर रहा था है ना, तो अभी ये 14 प्रोड्यूस कर रहा है, और ये कितना प्रोड्यूस कर रहा था 60 वाट, अभी ये 23। अभी अभी जिसका रेजिस्टेंस मोर है दैट इज प्रोड्यूसिंग मोर वाटेज, बट फॉर लेस देन देयर एक्चुअल वाटेज। अभी सीरीज में कनेक्ट कर दिया ना, करंट सेम हो गया, अभी तो बल्ब हैविंग मोर रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूसिंग मोर पावर बट नॉट दैट मच, पहले 60 कर रहा था अभी इतना कर रहा है, और ये पहले 100 कर रहा था अभी इतना कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द फुल वोल्टेज। तो घर में जितनी भी सप्लाई है देर आर पैरेलल, सीरीज में अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यू विल सी 100 वाट वाला बल्ब बहुत डिम हो जाएगा, इट इज प्रोड्यूसिंग 14 वाट ओनली, 60 वाला थोड़ा ब्राइट रहेगा, दैट विल बी प्रोड्यूसिंग 23 बट फॉर लेस देन इट्स एक्चुअल वाटेज जितना 60 था पहले। तो सीरीज दैट, अभी समझ में आ गया सीरीज एंड पैरेलल में क्या डिफरेंस है,
ठीक है, तो डाउट रहता ही है सर सीरीज में, कभी हम बोलते हैं कि मोर रेजिस्टेंस मोर पावर, दैट इज इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन विच आर जनरली नॉट फाउंड, अदरवाइज दीज कनेक्शन आर फाउंड, लेस रेजिस्टेंस मोर पावर, है ना, देखो लेस रेजिस्टेंस मोर पावर, क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन देख लो एक साथ, करंट की वैल्यू निकाल के चेक कर लेना यहाँ पर whether we have got the right answers or not. That's all from my side. बाकी क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लेना, हीटिंग ये दीज मेनी फार्मूलाज ओनली, तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट वे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैं पूछूं, एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ यहीं से, इसी से, अगर हमने वोल्टेज वोल्टेज हाफ कर दी, सप्लाई वोल्टेज हाफ हो गई, तो पावर कितनी हो जाएगी? पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, रेजिस्टेंस तो फिक्स है, वोल्टेज अगर हाफ हो गई तो 1/4 पावर हो जाती, बिकॉज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। सप्लाई वोल्टेज अगर हाफ हो गई, अगर तुम इंडियन बल्ब, यहाँ का बना हुआ बल्ब, यू टेक इट टू द यूएस, वहां पे सप्लाई कितनी है? 110 वोल्ट है, वहां पे अगर तुम यूज करोगे बल्ब को तो पावर 1/4 देगा। यू टेक द 100 वाट बल्ब फ्रॉम इंडिया टू यूएस एंड वहां पे कनेक्ट करो होल्डर में, इट विल गिव यू 25 वाट ओनली, बिकॉज पावर वहां पे वोल्टेज कम यूज होता है, वहां पे सारे डिवाइसेस 110 वोल्ट से चलते हैं, इंडिया में 220 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है सर। शिफ्ट मी द होस्ट, सर शिफ्ट मी द होस्ट, यस सर।